हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ पोली आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, मैं आज आपसे चर्चा करूँगा 25 मार्च 2022 की वर्कशीट का, जो कि मैथ्स की वर्कशीट है क्लास 6 to 8 तक के लिए। वर्कशीट नंबर है 54 और इसमें हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा को शुरू करने से पहले जो कोई भी हमारे चैनल के साथ नया जुड़ा हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल वाले बटन को ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि सारी नोटिफिकेशन उस तक जरूर मिल सके। एक दिन हीना एक पिज़्ज़ा लाई, देखते ही रिया दौड़ी आई। उन्होंने सोचा, इसे बांट लेते हैं, दोनों आधा आधा खा लेते हैं। दोनों ने बांटा अलग तरीके से, फिर जो बराबर आए हिस्से, आओ देखे ऐसा क्यों और कैसे हुआ। जैसे गोल है कि ये पूरा पिज़्ज़ा था, हीना का पिज़्ज़ा, तो हीना ने क्या किया, ये पूरा गोल पिज़्ज़ा है तो हाफ़ हाफ़ कर लिया, ये हाफ़ इधर है एक हाफ इधर। फिर पूरा गोल 4 हिस्सों में बांटा है तो तो ये और ये, यानी कि 2/4, ये दो हिस्से हो गए ना 4 के, 2/4। आगे देखे, समतुल्य भिन्न व भिन्न होते हैं जो अलग अलग दिखते हैं लेकिन उनका मान समान होता है। उदाहरण 1/2 या 2/4, 3/6। अब देखिए, दर्शाए गए समतुल्य भिन्न के अनुसार प्रत्येक वृत्त में रंग भरें। जैसे बता रखा है 1/4 वाला हिस्सा, तो ये भर दिया हमने 1/4। 3/12, तो इसमें 3, 1, 2, 3, 2/3, 1, 2, 8/12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8/12। अब देखिए, इसमें लिखने हैं हमें 3, इसमें हो गया ये 3/4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6/9, ये टोटल 9 है और 6 रंगीन है। 4/ कितना होगा, 16/4, 1/4। यदि आप दो भिन्न संख्याओं को जोड़ना या घटाना चाहते हैं तो नीचे की संख्या समान होनी चाहिए। अब देखिए किस तरह से, तो आइए जोड़ करें, देखें किस तरह से हो रहा है। ये नीचे की संख्या कैसे आएगा, अब जैसे 1 1 1 का तो 1 ही रहेगा, 2 3 6 हो जाएगा 1/6। और जैसे 1 और 3 है तो 1 और 3 क्या हो जाएगा बच्चों, 1 3 3, 1 3 3 हो जाएगा।